इस वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के लिए स्टेटस क्रिएट कर पाओगे। प्लस इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। जो टेम्पलेट्स होंगे वो आपके फीलिंग्स के हिसाब से होंगे और इस एप्लीकेशन में आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसकी मदद से अब आपको पता है अपडेट का मतलब ये होता है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है वही चीज इस एप्लीकेशन में आपको शो होगा, तो आपको अपडेट्स भी मिलते रहेगा, तो आपको बहुत सारे नए नए चीज भी इस एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिलेगा। प्लस अगर आप चाहते हो कि भाई हम व्हाट्सएप की स्टेटस में फोटो के साथ सॉन्ग भी सेट करना चाहे ना, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से कर पाओगे। तो यार इस एप्लीकेशन की पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो पे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो व्यूअर्स माय नेम इज रोहित और स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है एमबिट। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो गए ना तो आपको पता होगा कि भाई इस एप्लीकेशन के बारे में शायद मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि मैं इस मोस्ट ऑफ द फेवरेट माय एप्लीकेशन है। अगर मैं कोई स्टेटस क्रिएट करने की सोचता भी हूँ ना तो इसी एप्लीकेशन थ्रू क्रिएट करता हूँ और काफी अपडेट्स के साथ साथ नए नए टेम्पलेट्स शो होते रहते हैं। अब जैसे कि पता है कि आपको आईपीएल चल रहा है तो आपको आईपीएल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेम्पलेट्स शो होंगे जो आप अपने हिसाब से एक स्टेटस बना सकते हो, जिसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करो। ओपन करने के बाद आप देखोगे कि ओपन करने के बाद आपको कुछ एक्सेस मांगेंगे, तो एक्सेस देने के बाद आप कुछ इस प्रकार के पेज में आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, देखो सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आप नीचे स्वाइप करोगे तो नीचे आपको टेम्पलेट्स ही टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी टेम्पलेट्स देखने को मिलेगा। अब जैसे कि पच्चीस टेम्पलेट्स के द्वारा वीडियो बनाना चाहते हो तो आप कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कीजिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्टली अपने गैलरी में आ जाओगे। अब गैलरी पे आने के बाद आपको बोलेगा भाई आप अपना फोटो सिलेक्ट कीजिए जो आप इस टेम्पलेट्स में लगाना चाहते हो। इस फोटो के अकॉर्डिंग आप स्टेटस बनाना चाहते हो, आप वो फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे राइट का ऑप्शन देखने को मिलता है साइड में, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आप होम पेज में आ जाओगे और यहाँ पे जो टेम्पलेट्स है वो ऑटोमेटिक सब कुछ एडिट करके आपके सामने शो कर देगा एक वीडियो के अकॉर्डिंग, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि भाई जो ये सॉन्ग है जो टेम्पलेट्स में जो सॉन्ग है ये मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे चेंज कर दूं, तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एड म्यूजिक करके ऑप्शन मिलता है, तो आप इस एड म्यूजिक को क्लिक करोगे तो आप एक गैलरी पे आ जाओगे, एक म्यूजिक ऑप्शन पे आ जाओगे जहां पे आपको इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे म्यूजिक भी देखने को मिल जाएगा, तो आप कोई से भी म्यूजिक स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे सिलेक्ट हो जाता है तो आपका जो टेम्पलेट से द्वारा जो स्टेटस है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि भाई ये जो एमबीट एप्लीकेशन है इसका जो लोगो आए वो ना आए, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ऊपर के ऑप्शन देखने को मिलता है आप उसे क्लिक करो। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको एक एड होगा, जो एड देखना पड़ेगा आपको, वो एड देखने के बाद आप कट हो जाइए। कट होने के बाद अगर आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर लेते हो ना तो आपको लोगो शो नहीं होगा। अगर आप एड नहीं देखते हो तो आपको लोगो दिखेगा जो एमबीट का लोगो होगा, वाटरमार्क जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप एड देखोगे तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे आपको रेजुलेशन पूछेगा कि आप कितने रेजुलेशन में जो इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप उतना रेजुलेशन सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर लीजिए। देखो ये रहा हमारा एक टेम्पलेट द्वारा स्टेटस बनाना। अब आती है बारी कि हम व्हाट्सएप के स्टेटस में फोटो के साथ सॉन्ग कैसे सेट करें। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते हो, ये आपको एमबीट एप्लीकेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो हम एमबीट एप्लीकेशन को फिर से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम अपने होम पेज में आएंगे और यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप अपने गैलरी पे आ जाओगे। अब गैलरी पे आने के बाद आपको एक फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप स्टेटस के साथ फोटो के साथ सॉन्ग सेट करना चाहते हो, उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसे सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ इस प्रकार के पेज में आ जाओगे। यहाँ पे आपको एड म्यूजिक करके ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप एड म्यूजिक पे जाइए। वहां पे जाने के बाद आप फिर से सॉन्ग आ जाएंगे, सॉन्ग के पेज में आप कोई सा भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लीजिए। सॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद आप एक बार प्ले करके देख लेते हो कि आपका जो फोटो के साथ है सॉन्ग सेट हो चुका है। प्लस यहाँ पे आपको फिल्टर रेजुलेशन आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, तो आप फिल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अलग कैटेगरी का फिल्टर चाहिए तो आप वो फिल्टर भी यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आपको फिर से एक एड देखना पड़ेगा जो कि एमबिट वाटरमार्क पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से रेजुलेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप रेजुलेशन सिलेक्ट करके उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में उस वीडियो को आसानी से लगा सकते हो जिसको आपने अभी एडिट किया है। तो ये सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो बाय।